अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हमने हम कंप्रेसर की रनिंग कॉमन और स्टार्टिंग निकालनी है कि कंप्रेसर की हमने मालूम करनी है कि रनिंग कौन सी है, कॉमन कौन सी है, स्टार्टिंग कौन सी है। किसी भी कंप्रेसर की, चिलर का हो, फ्रिज का हो, एसी का हो, सिंगल फेज कोई भी कंप्रेसर हो, इसकी रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कैसे निकालते हैं ये हम बताएँगे आपको इस वीडियो में। डीटर मीटर के जरिए हमने इसकी रनिंग कॉमन स्टार्टिंग निकालनी है। पहले आपने रख लेना है इसको मीटर को कंटिन्यूटी पे, यहाँ पर कंटिन्यूटी पे आपने मीटर को, यहाँ पर कंटिन्यूटी पे आपने मीटर को रख लेना है। ये दरवाज़ देखो कंटिन्यूटी, फिर हमने तीनों पॉइंट की आपस में मज़ाफ़त नोट करनी है। पहले ये जैसे ये पॉइंट बने हुए वैसे हमने इधर पॉइंट बनाया हुआ, इस पॉइंट की इसके साथ मज़ाफ़त नोट करनी है, फिर इस पॉइंट की इस पॉइंट के साथ मज़ाफ़त नोट करनी है, फिर इसकी इसके साथ मज़ाफ़त नोट करनी है। पहले हम इन दोनों पॉइंट की आपस में नोट कर लेते हैं। इसकी आई है जी 28.5। आ गई इसकी। और जो दूसरा है, अब हमने इसकी इसके साथ मज़ाफ़त नोट करनी है। इसकी आई है 16.2। अब हमने क्या करना है, इसकी इसके साथ मज़ाफ़त नोट करनी है। ये आई है जी 14.6। अब जिन दो पॉइंटों की मज़ाफ़त आपस में ज़्यादा है वो रनिंग स्टार्टिंग है, और जो बच के इधर नीचे वो कॉमन हो जाएगा। जिनकी आपस में ज़्यादा है रनिंग स्टार्टिंग, और जो तीसरा बचेगा वो आपका कॉमन होगा सिंपली। और हमने अब मालूम करना है कि इसमें जो रनिंग स्टार्टिंग है इसमें रनिंग इस इधर वाला रनिंग है या इधर वाला स्टार्टिंग रनिंग है, ये स्टार्टिंग है या ये स्टार्टिंग है। अब हमें कैसे मालूम करना है कि हमने अब इसको कॉमन के साथ, पहले इसकी पॉइंट की कॉमन के साथ मज़ाहमत नोट करनी है, फिर इसकी कॉमन के साथ मज़ाहमत नोट करनी है। जिसकी मज़ाहमत ज़्यादा आएगी वो स्टार्टिंग हो जाएगी, जिसकी कम आएगी वो रनिंग हो जाएगा। ऐसे हमने इस पॉइंट की पहले कॉमन के साथ मज़ाहमत नोट करनी है, वही आई है 16, और फिर इसकी कॉमन के साथ मज़ाहमत नोट करनी है 14.6। यही मज़ाहमत आई है जैसे कि पहले हमने नोट की हुई थी, जिसकी ज़्यादा है ये 16.2 ये आपका स्टार्टिंग हो जाएगा, और ये जो जिसकी कम है ये आपका रनिंग हो जाएगा। मतलब कि ये कॉमन, ये रनिंग और ये स्टार्टिंग, ये कॉमन, ये रनिंग और ये स्टार्टिंग, ये आपकी निकला है जी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग डिजिटल मीटर के ज़रिए। हम आप इसको चेक करना है कि हमें जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग निकाली है वो ठीक निकाली है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिले है पर हम इसको लगा रहे हैं, दूसरे रिले हमारे पास नहीं है, ये हमने इसको रिले लगा दी। अब इसको हमने करना है जी नो, ये हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसका डिस्चार्ज से, आप अपना इसका प्रेशर चेक कर सकते हैं, ये जी डिस्चार्ज है इसकी, इससे आप इसका प्रेशर चेक कर सकते हैं। ये सक वाला है ना, ये सक कर सकते हैं। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, इसकी डिस्चार्ज एक होती है, कंप्रेसर की दो सेक्शन होती हैं, ये दो सेक्शन है और ये डिस्चार्ज है। ये सेक्शन हमने बंद की हुई है, इसको वैक्यूम पम्प बनाया हुआ है प्रेशर देने के लिए, भी डिस्चार्ज बनाया हुआ है और वैक्यूम पंप बनाया हुआ है इसको। इधर से वैक्यूम कर लेते हैं, इधर से डिस्चार्ज। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।